आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग मिड साइकिल और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑप्शन ए LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल, ऑप्शन बी ओवुलेशन अकर्स, ऑप्शन सी मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड, ऑप्शन डी रेग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अकर। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि मिड साइकिल में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड साइकिल में क्या इवेंट होता है। देखो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल और प्राइमेट के अंदर, ठीक है, चलता है, और ये नॉर्मल हेल्दी फीमेल के अंदर अगर हम देखें तो कितने डेज का होता है, 28 डेज का होता है साइकिल, ठीक है। अगर मिड साइकिल की बात करें तो मिड साइकिल किसे बोला गया है, ओविलेटरी फेज को, ठीक है, मिड साइकिल बोला गया है ओविलेटरी फेज को, ओविलेटरी फेज जो कि 14th डे होती है, ठीक है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ओविलेटरी फेज जो है ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इस दौरान क्या होता है, ओविलेशन होता है, ठीक है। और क्या होगा ओविलेटरी फेज में, ओविलेशन होता है कौन से दिन, 14th डे। देखो ओविलेशन कब होगा, हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेनली वो कौन सा होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, एंड इसी के साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, ठीक है। 14th डे को क्या होता है, LH हार्मोन का जो पीक है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। 14th डे को LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, LH सर्ज, सडनली LH का बढ़ जाना। तो देखो मिड साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन होगा, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल, बिल्कुल सही बात, ओव्यूलेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन अकर्स, बिल्कुल सही बात, ओव्यूलेशन होता है मिड साइकिल में। देन लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन लेवल इन ब्लड, देखो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम कब फॉर्म होती है, आफ्टर ओविलेटरी फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, मैक्सिमम होगा। रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेट हो जाएगी आफ्टर 21 to 23 डे, धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेक होगी वैसे 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 प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डाउन होता जाएगा। तो यहाँ पे सी और डी तो क्या हुए, इनकरेक्ट, और यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ओनली ए और बी ऑप्शन। ए और बी जो है वो किस में गिवन है, ऑप्शन वन में, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ओनली ऑप्शन वन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।